अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेडी स्टेट एरर्स। और ये टॉपिक दिया है नाइस में, चैप्टर 7 में। तो पहले हमने सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी, और जब हम सिस्टम की परफॉर्मेंस बोलते हैं ठीक है, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो स्टेबिलिटी, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि सारे के सारे पोल्स जो हैं सिस्टम के स्ट्रिक्टली लेफ्ट हैंड प्लेन में होने चाहिए तो सिस्टम स्टेबल है। अगर सिस्टम है ही नहीं स्टेबल तो फिर वो यूजफुल नहीं है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट है सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसा है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम का सेटलिंग टाइम कितना है, उसका परसेंटेज ओवरशूट कितना है। अगर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो उसके हमने कुछ पैरामीटर्स हमने पहले डिस्कस किए थे जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। तो एक ये है इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस के कंसर्न में। और जो तीसरी चीज है वो है सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या है। ये तीन चीजें हैं, तो स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बात करेंगे। तो स्टेडी स्टेट एरर का मतलब है, यह है डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये जो एरर है ये है इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, हमने कुछ सिस्टम को इनपुट दी और हमें कुछ आउटपुट मिली, तो उनका जो डिफरेंस है, अब ये फंक्शन ऑफ टाइम होगा। टाइम के साथ आउटपुट चेंज हो रही है क्योंकि डायनेमिक सिस्टम है, इनपुट चेंज हो रही होगी। तो स्टेडी स्टेट एरर का मतलब है एस टाइम अप्रोचेज इंफिनिटी, एस टाइम अप्रोचेज इंफिनिटी, तो इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस है उसको हम स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी है चैप्टर 7 में, मैंने हाईलाइट भी किया है उसको। तो देखना, स्टेडी स्टेट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट इनपुट। ठीक है, हमने इनपुट प्रिस्क्राइब कर दी है और फिर जो इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस है एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, उसको बोलते हैं सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एलिवेटर का एग्जाम्पल लें, ठीक है, एलिवेटर, उसको हम लिफ्ट भी बोलते हैं, जनरली एलिवेटर बोलते हैं। अच्छा, मान लो हम हैं एक पर्टिकुलर फ्लोर पे हैं, फ्लोर नंबर 3 पे हैं। ठीक है, और अब हमने एक बटन प्रेस कर दिया 7 का कि फ्लोर नंबर 7 पे जाना है। ठीक है, तो हमने सिस्टम को क्या इनपुट दी, हमने इनपुट दी है एक स्टेप इनपुट। वो 3 पे था और हमने उसको इनपुट दे दी कि एक बटन दबाया और उसको बोल दिया कि तुझे अब 7 पे जाना है और उसके बाद तुझे 7 पे ही रहना है। तो हमने उसकी इनपुट एक स्टेप इनपुट दी। हम इनपुट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमारी जो इनपुट है वो स्टेप इनपुट है। जैसे ये, ठीक है, हमने ये दिया। अब जो सिस्टम की आउटपुट है ठीक है, तो वो फ्लोर नंबर 2 या 3 जहां पे भी हम थे वहां से वो 7 पे जाएगा। तो ये उसकी जो है ऊपर जाएगा, उसका चेंज करेगा, तो ऐसे जाएगा जैसे मान लो। और मान लो वो सिस्टम ऐसा है, एक सिस्टम ऐसा है कि ऐसे जा रहा था और उसके बाद वो ये गया इस तरह से, ये उसकी आउटपुट आई। ठीक है, तो वो 7th फ्लोर तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही कहीं बीच में रुक गया। हाँ, मान लो 6ठे और 7वें के बीच में रुक गया, तो अच्छा सिस्टम तो नहीं हुआ वो, बीच में उससे किसी तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो देखोगे एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी इस केस में इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है वो एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है।
एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये जो है तो ये हो जाएगा सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरर एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ये सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर है। ठीक है, तो ये था उस सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर, हमने जब उसको किस तरह की इनपुट दी, स्टेप इनपुट। अब मान लो एक और सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसे है मान लो, तो धीरे धीरे जा रहा है, हमें काफी पेशेंट होना पड़ेगा, धीरे धीरे जा रहा है, उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, पर इवेंचुअली वो यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो उस सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, उस सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर होगा जीरो। ठीक है, और जबकि जो पहले वाला सिस्टम था उसका स्टेडी स्टेट एरर जीरो नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर का ये आइडिया है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एस टी अप्रोचेज इन्फिनिटी। अच्छा, अब अलग अलग तरह की इनपुट हो सकती हैं, हमने कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स पहले भी डिस्कस की थी और वो सेवंथ चैप्टर में यहाँ मैंने हाईलाइट किया है टेबल 7.1 में, यहाँ पे लिखा है टेस्ट वेव फॉर्म्स फॉर इवेल्युएटिंग स्टेडी स्टेट एरर ऑफ पोजिशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दी हैं जिसके बारे में हमने पहले बात किया था, एक स्टेप इनपुट है जो इस तरह की दिखती है। अच्छा, एक रैंप इनपुट है जो ऐसे इंक्रीज करेगी विद टाइम, ये रैंप इनपुट है। पैराबोला इनपुट दिया है जो इस तरह से इंक्रीज करेगा। तो जो स्टेप इनपुट है वो कॉन्स्टेंट है, रैंप इनपुट टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, और पैराबोला टी स्क्वेयर वेरी कर रहा है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको टी स्क्वेयर बाय टू लिखते हैं, ये एक तरह की नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन अगर फैक्टर टू भी ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडिया सेम है। तो ये हमारी इनपुट है तीन, और इन तीनों का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे वो भी यहाँ पे दिया है, स्टेप इनपुट का 1/s, रैंप का 1/s² और पैराबोला का 1/s³ हो जाएगा, ये 2 चला जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाते हैं कि फाइनली इसमें ये 2 ना रहे। ठीक है, तो ये हमारी जो तीन इनपुट हैं स्टैंडर्ड इनपुट, और इन तीनों इनपुट की कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, जो स्टेप इनपुट है वो हमें ये बोलती है कि अब ऐसा मान के चलो हमारा एक पोजिशन कंट्रोल सिस्टम है, जैसे हमने एलिवेटर का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें पोजीशन मैटर करती है, किस फ्लोर से किस फ्लोर पे जाना है, तो हमारा एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है, और उसमें जब हम ये बोल रहे हैं कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, बस इतना बोल रहे हैं, तो हमारी जो इनपुट है वो एक स्टेप इनपुट है, और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है हम बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट पोजिशन। ठीक है, तो जैसे आप इस डायरेक्शन में देख रहे थे ऐसे थे, और सिस्टम को आपने बोला कि ऐसे के बजाय इधर ये वाली पोजिशन लेनी। ठीक है, तो कांस्टेंट पोजीशन, अब वो यहाँ से यहाँ जाने में उसका कुछ ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा, धीरे धीरे जाएगा या फास्ट जाएगा, वो उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस है, और फिर स्टेडी स्टेट एरर है वो वहां तक पहुंच पाया या उससे पहले रुक गया या उससे बाद में रुका। ठीक है, तो स्टेप इनपुट एक तरह से कॉन्स्टेंट पोजिशन को सिग्निफाई कर रही है। अच्छा, इसी तरह से जो रैम्प इनपुट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को सिग्निफाई करती है। सिंपल है ये समझना कि अगर कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये एग्जांपल दिया है कि मान लो यहाँ पे ये आप देख रहे हो एक एंटीना लगा हुआ है अर्थ के ऊपर, और एंटीना को ट्रैक करना है इन ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट दिया है सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको ट्रैक करना है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट होता है, आप अर्थ पे किसी पोजीशन से उसको देखोगे तो वो वहीं पे दिखेगा, क्योंकि वो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो स्टेशनरी रहता है। तो आपका ये जो एंटीना है, आप इस एंटीना को बस इस तरह के इनपुट दोगे, मान लो ये एंटीना ऐसे था, उसको इनपुट दिया है कि सैटेलाइट उधर है, उसको ट्रैक करना है, तो बस यहाँ से इसको ऐसे जाना है, स्टेप इनपुट। ठीक है, तो स्टेप इनपुट जो एक तरह से कॉन्स्टेंट पोजिशन को सिग्निफाई करता है। एक और एग्जांपल लो, मान लो एक सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये सैटेलाइट एक मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मूव कर रहा है। ठीक है, और अब आपका जो एंटीना है
उसने सैटेलाइट को ट्रैक करना है, सैटेलाइट तो मूव कर रहा है तो आपका एंटीना उसको ट्रैक करेगा ऐसे, ठीक है। तो आपके जो इनपुट जा रही है, आपके जो कंट्रोल सिस्टम में इनपुट जा रही है, वो जा रही है सैटेलाइट की पोजीशन, सैटेलाइट की पोजीशन इनपुट जा रही है, जो एक रैंप इनपुट है वो हमेशा चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है उसकी, वो चेंज हो रही है, उसकी जो एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। और जो आपका ट्रैकिंग सिस्टम है वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, इतना मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन ये है, वो उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो आप ट्राई कर रहे हो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की, तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें आपने जो इनपुट दी है वो एक रैंप इनपुट है, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। तो रैंप इनपुट एक तरह से स्पेसिफाई सिग्निफाई कर रहा है, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि हमारा जो है इनपुट जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इनपुट है। अच्छा, एक और एग्जांपल नहीं, यहाँ पे मिसाइल का एग्जांपल दिया है, ये एक्सिलरेटिंग मिसाइल है, इसकी एक्सिलरेशन कॉन्स्टेंट है। अगर कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन है, ये मान लो उसकी एंगुलर एक्सिलरेशन जो है कॉन्स्टेंट है, तो जब ये मूव करेगी तो इसकी जो पोजीशन होगी वो टाइम स्क्वायर से वेरी करेगी, क्योंकि इसकी एक्सिलरेशन कॉन्स्टेंट है, और आपका जो एंटीना है उसने उसको ट्रैक करना है। तो आप जो उसको इनपुट दे रहे हो वो एक पैराबोलिक इनपुट दे रहे हो, तो पैराबोलिक इनपुट किस चीज को सिग्निफाई करती है, कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन को। तो यहाँ पे टेबल में इनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन दी है, कॉन्स्टेंट पोजिशन, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन, इनको ये सिग्निफाई करती है। और अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, तो बेसिक आइडिया ये है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमें सिस्टम दिया हुआ है, अब हम इस तरह का सिस्टम कंसीडर करते हैं, मान लो हमें दिया हुआ है, वी आर गिवन क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है सिस्टम का। अगर नहीं भी दिया हुआ तो हमें पता है इसको कैसे निकालते हैं, कि हम सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, उस तरह के सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे विद जीरो इनिशियल कंडीशन, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। फिर उसका फीडबैक जो दिया हुआ है उसको कंसीडर करके हम उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। तो उसको अगर हमने सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे जो बुक में सिंबल दिया है उसके लिए मान लो सिंबल टी यूज किया, और इनपुट और आउटपुट के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते थे, लेकिन इस चैप्टर में थोड़े अलग सिंबल यूज किए हैं, और मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस बुक से पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन टी है, इसको हमने इनपुट दिया कुछ आर, ठीक है, एक तरह से ये रेफरेंस एस डोमेन में है ये सारा का सारा। तो ये हमने इनपुट दिया, ये ट्रांसफर फंक्शन है, और इससे हमें आउटपुट मिली सी, मान लो सी हमारी आउटपुट है, ठीक है, ये है। तो हमारा एरर क्या होगा, एरर है हमारा इनपुट माइनस आउटपुट आर माइनस सी, ठीक है, ये हमारा एरर है। तो इसी डायग्राम पे हमें एरर दिखाना है, अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक समिंग जंक्शन लगाया और इस जंक्शन पे आर जाएगा, आर को यहाँ से ले लिया, ये R, यहाँ पे प्लस लिखा क्योंकि R, और यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे C आ रहा था तो R माइनस C, और ये हमारा एरर है, अगर इसी डायग्राम पे हमें दिखाना था, ठीक है। तो एरर है हमारा R माइनस C, और अब हम C को लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नल R है और R पे T लगा तो हमें C मिला, तो C इक्वल्स R T, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करोगे तो हमें मिल गया E equals R 1 minus T, हमें ये मिल गया एरर जो है, लेकिन ये S डोमेन में है, हमें टाइम डोमेन में चाहिए, तो उसके लिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर लगाएं,
अगर हम लगाएं फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये एक लैपलेस ट्रांसफॉर्म की थ्योरम है और इस थ्योरम के हिसाब से ET approaches infinity equals S approaches zero, ठीक है, लिमिट ले रहे हैं हम, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो चाहिए, एरर एस टी अप्रोचेज इंफिनिटी वो होगा लिमिट ऑफ एस ई एस एस अप्रोचेज जीरो, तो वो हमने लगा दिया, ई हमें मिल गया है पहले पेज पे, तो उसको लिखा तो ये हो जाएगा लिमिट एस अप्रोचेज जीरो ऑफ एस आर वन माइनस टी, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, ये हमें उसका स्टेडी स्टेट एरर दे रहा है। तो हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है टी, ठीक है, वो हमें दिया है, हमें आर दिया है, आर हमारी इनपुट है, अगर स्टेप इनपुट है उसके लिए आर हो जाएगा वन बाय एस, रैंप इनपुट है उसके लिए हो जाएगा वन बाय एस स्क्वेयर, तो R हमारी इनपुट है, तो ये सारा मल्टीप्लाई करके लिमिट एस अप्रोचेस जीरो कर दो, वो हमारा स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा, ठीक है, अगर हमें उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, तो बहुत सिंपल है ये। अब मान लो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ना लेके हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं, अभी हम देखते हैं स्टेडी स्टेट एरर बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, और फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम सिंबल जी यूज करते थे, ठीक है, तो ये देखते हैं, तो अब हमारा सिस्टम इस तरह से है, हमने सिस्टम को इनपुट दी, इनपुट के लिए यहाँ पे सिंबल आर यूज किया है, कुछ रेफरेंस इनपुट, ठीक है, और ये हमारा फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है जी, और यहां से हमें आउटपुट मिली सी, और ये जो सिस्टम है हमारा, हमने लिया है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, तो इसको फीडबैक करवा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फीडबैक में जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसके लिए सिंबल एच यूज करते हैं, वो हमारा वन है, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि यहाँ पे हमने एच इक्वल्स वन लिखा है, तो सी हमारी आउटपुट थी और C के वन लगा तो C ही रही, तो यहाँ पे जो इधर जो समिंग जंक्शन से जो बाहर आएगा वो R माइनस सी ही होगा, तो वो हमारा एरर है, तो अपने आप यहाँ पे एरर इसमें अपने आप निकल के आ रहा है जो R माइनस सी है, ठीक है, तो ये है हमारा यूनिटी नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, वो वाला सिस्टम है, और इसमें हमारा फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन जी है, ठीक है, तो इसको करने के लिए अब हमें इसका स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये जी और एच को, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया टी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला है वन जी ओवर वन प्लस माइनस जी एच, जो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, तो वो टी निकाल लिया, और टी निकालने के बाद जो आपका ये था इसमें आपने टी ले लिया, आर ले लिया और इसी से यूज कर लिया, ठीक है, ऐसा तो कर ही सकते हो कि इक्विवेलेंट टी निकाल के फिर कर लिया, लेकिन ऐसा करने की बजाय अगर हम इसको जी की फॉर्म में ही रखना चाहते हैं, जी की फॉर्म में ही रखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हमें आंसर मिलता है, तो हमारा एरर हुआ इनपुट माइनस आउटपुट, और अगर हम फॉरवर्ड पाथ को देखें तो उस पाथ को देख के पता लग रहा है ई जी इक्वल्स सी, ई जी इक्वल्स सी, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इस आप देखोगे तो हमें मिल जाएगा
इक्वल्स आर ओवर वन प्लस जी, ठीक है, ई आ गया आर ओवर वन प्लस जी। और अब हमें चाहिए, उसके बाद हम फिर से वही फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, जो बेसिकली था एरर एस टी अप्रोचेज इंफिनिटी, ये होगा एस ई एस एस अप्रोचेज जीरो, तो ये हो जाएगा एस आर ओवर वन प्लस जी लिमिट एस अप्रोचेज जीरो, ठीक है, हमें ये मिल गया। तो अब जो हमें ये यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, ये हमें ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर के लिए, स्टेडी स्टेट एरर के लिए विद, अगर हमें दिया है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक और हमें उसका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था जी, ठीक है, तो उसका स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो वो इससे हो जाएगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है, हर तरह के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज देखेंगे जब अलग अलग तरह की इनपुट है। अच्छा, तो पहले मान लो हम लेते हैं स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट के लिए जो इनपुट का जो ट्रांसफर फंक्शन है जिसके लिए हमने सिंबल आर यूज किया है वो हो जाएगा वन बाय एस, ठीक है, और आर वन बाय एस, आर को वन बाय एस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें स्टेडी स्टेट एरर क्या मिल जाएगा, लिमिट वन ओवर वन प्लस जी एस एस अप्रोचेस जीरो, मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर जिसको हम ई इंफिनिटी लिखेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा वन ओवर वन प्लस जी एस, और यहाँ पे लिमिट ली है हमने, लिमिट ली है एस अप्रोचेस जीरो, तो यहाँ पे ही लिख देते हैं मैं लिमिट एस अप्रोचेस जीरो, ठीक है, ये उसका स्टेडी स्टेट एरर है, सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर जब उसको हमने कैसे इनपुट दी है, स्टेप इनपुट, ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट दिया था, यूनिट स्टेप इनपुट, तो उसका ये होगा। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ, ये जो है लिमिट एस अप्रोचेस जीरो जी, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, इसको हम बोल देते हैं के पी, और इसको हम बोलते हैं सिस्टम का स्टैटिक पोजीशन कांस्टेंट, स्टैटिक पोजीशन कांस्टेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एरर था ये हो जाएगा वन ओवर वन प्लस के पी, ठीक है, तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए उसका स्टेडी स्टेट एरर होगा वन ओवर वन प्लस के पी, जहां पे के पी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं और वो हमारे सिस्टम का है स्टैटिक पोजीशन कांस्टेंट, ठीक है। तो और अब एक और चीज देखते हैं कि मान लो हमारे सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जी, इसको हमने ऐसे लिखा, ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है नीचे भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉलिनोमियल के आपने रूट्स मान लो निकाल लिए
ऊपर वाले जो रूट्स होते हैं उनको हम जीरोस बोलते हैं और नीचे वालों को पोल्स बोलते हैं। तो जीरो और पोल निकाल ली और अब हमने इसको लिखा है एस प्लस जेड वन, एस प्लस जेड टू, इस तरह से उसके फैक्टर कर लिए ऊपर जो था उसके। ठीक है, तो इसके जीरोज हैं माइनस जेड वन माइनस जेड टू, ये उसकी जीरोज हैं और ऐसे ही पोल्स कर लिए। ठीक है, और कुछ पोल्स हो सकता है जीरो पे ही, जीरो पे ही हो सकता है कुछ पोल्स हों। मान लो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं नंबर ऑफ पोल्स एट एस इक्वल जीरो आर एन, एन पोल्स हैं सिस्टम के एस इक्वल जीरो। ठीक है, हो सकता है एक भी पोल ना हो तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो वन टू थ्री। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लो एक सिस्टम है जिसमें नीचे है मान लो वन ओवर एस स्क्वेयर एस प्लस टू। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पे इसके जो दो पोल्स हैं वो एस इक्वल जीरो पे हैं, इस सिस्टम के दो पोल्स हैं एट एस इक्वल जीरो पे, और ऐसा होने के कारण यहाँ पे एस स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो इन जनरल अगर सिस्टम के n पोल्स हैं जो s इक्वल जीरो पे हैं तो यहाँ पे s टू दी पावर n आएगा, क्योंकि n पोल्स हैं उसके s इक्वल जीरो पे, और जो बाकी पोल्स हैं वो जीरो पे नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया s प्लस पी वन एस प्लस पी टू। ठीक है, ये जनरल फॉर्म लिख दी है, जहाँ उसके पोल्स हैं वो होंगे माइनस पी वन माइनस पी टू, वो उसके पोल्स हैं। ठीक है, अब हम सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन एन। अगर एन जीरो है, एन जीरो, तो उसको बोलते हैं सिस्टम है टाइप जीरो सिस्टम। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उसके एन इक्वल सॉरी ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं, अगर एन वन है तो उसको बोल देंगे टाइप वन सिस्टम, और एन टू है उसको बोल देंगे टाइप टू सिस्टम। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे हमने दो तीन चीजों की बात की है। एक तो है कि सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या है, और स्टेडी स्टेट एरर को हमने लिखा है जो उसका फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है जी, उसके टर्म्स में वो ये निकल के आता है स्टेप इनपुट के लिए। ठीक है, और ये जो टर्म थी लिमिट ऑफ जी एस एस अप्रोचेस जीरो, इसको हम बोल देते हैं सिस्टम का स्टैटिक पोजीशन कांस्टेंट केपी। तो अगर हमें सिस्टम का जी पता है, एस को उसमें जीरो लिमिट ले लो तो हमें केपी मिल जाएगा, और उसका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो केपी पे डिपेंड करता है, वो वन ओवर वन प्लस केपी आया। ठीक है, अब हमने सिस्टम को क्लासीफाई किया है टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू सिस्टम, इस तरह से उसको क्लासीफाई किया है। तो अब एक चीज देखना कि मान लो हमारा टाइप जीरो सिस्टम है, हम एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि जी देख के हमें पता लग जाएगा कि सिस्टम की टाइप कौन सी है। अगर टाइप जीरो सिस्टम है तो टाइप जीरो सिस्टम में यहाँ पे एस टू दी पावर एन, ये एन जीरो का यहाँ पे ये कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो जी था उसमें आप अगर एस को जीरो रखोगे तो आपको ऊपर मिलेगा Z1, Z2 इन सब का प्रोडक्ट, और नीचे मिलेगा P1, P2 इन सब का प्रोडक्ट, तो फाइनाइट होगा, है ना। तो अगर आपका टाइप जीरो सिस्टम है तो लिमिट S अप्रोचेस जीरो ऑफ G, जिसको हम KP भी बोल रहे हैं, ठीक है, इसी को KP बोला है, इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, इसकी वैल्यू फाइनाइट। और अगर KP की वैल्यू है तो हमारा जो एरर होगा किस तरह के इनपुट के लिए, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, उसकी वैल्यू है वन ओवर वन प्लस केपी, हमने अभी देखा। और अगर केपी फाइनाइट है तो हमारा एरर भी फाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये उसी तरह की सिचुएशन होगी कि हमने प्रेस किया था सेवंथ फ्लोर पे जाए, लेकिन उसका स्टेडी स्टेट एरर फाइनाइट है, वो कभी भी सेवंथ फ्लोर में नहीं पहुंचेगा, कहीं बीच में रुक जाएगा, तो ये टाइप जीरो सिस्टम है। अगर टाइप वन सिस्टम हो ठीक है, टाइप वन सिस्टम अगर लें
तो यहाँ पे एस टू दी पावर वन आएगा, ठीक है। और जब हम लिमिट ऑफ जी एज एस अप्रोचेस जीरो करेंगे, यहाँ वन ओवर जीरो होने के कारण जी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमारा जो लिमिट है ऑफ एस अप्रोचेस जीरो ऑफ जी फॉर टाइप वन सिस्टम, ये हो जाएगी इनफाइनाइट। इसको हम केपी भी बोलते हैं, ये हो गया इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट हो गया तो हमारा जो एरर है वो क्या हो जाएगा, वन ओवर वन प्लस के पी, और के पी इनफाइनाइट है, तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आइडिया ये है कि अगर हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया है तो, और हमें स्टेडी स्टेट एरर जीरो चाहिए, तो उसको एटलीस्ट टाइप वन सिस्टम होना पड़ेगा। आगे जाओगे टाइप टू के लिए भी सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, सेम फॉर टाइप टू, ठीक है, हमें ये मिलेगा। तो इसको, तो ये जो टाइप जीरो सिस्टम, टाइप वन सिस्टम, जो हम सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को देख के, जो फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है जी, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं। इसी बात को बोलने का एक और तरीका है, हम वन ओवर एस जो टर्म होती है वो हमारे जो, हमारा जो पाथ है उसमें इंटीग्रेटर से आती है। आपको याद होगा जब हमने ये जो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रल कंट्रोलर की बात की थी, तो अगर इंटीग्रेशन का ऑपरेशन है एक पाथ में, इंटीग्रेशन का, उसके कारण वन ओवर एस टर्म आती है। तो हम वन ओवर एस टर्म के होने को बोलते हैं कि सिस्टम में इंटीग्रेटर है। तो अगर, तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइप वन सिस्टम हैज वन इंटीग्रेटर, प्योर इंटीग्रेटर, इन फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, इट हैज वन प्योर इंटीग्रेटर इन फॉरवर्ड पाथ। और ऐसा होने के कारण जो फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन था उसमें वन ओवर एस आ जाता है, ठीक है। टाइप टू सिस्टम, इट हैज टू प्योर इंटीग्रेटर इन फॉरवर्ड पाथ। टाइप जीरो सिस्टम हैज नो प्योर इंटीग्रेटर इन फॉरवर्ड पाथ। तो इस तरह से है। तो अब आइडिया हमारा, हम इसको समराइज ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारा, अगर यूनिट स्टेप इनपुट है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर को हमने जीरो करना है, तो उसके लिए सिस्टम की, एटलीस्ट सिस्टम को टाइप वन होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो टाइप जीरो सिस्टम है तो स्टेडी स्टेट एरर को जीरो नहीं कर सकते, वो फाइनाइट रहेगा। टाइप वन टाइप टू सिस्टम है तो उसको हम जीरो कर सकते हैं। तो ये हमने बात की थी अगर उसको हमने स्टेप इनपुट दी थी। अच्छा, आप देखते हैं रैंप इनपुट के लिए ये आइडिया बहुत जल्दी हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेंगे। रैंप इनपुट, ठीक है, रैंप इनपुट है तो हमारा, हमारी जो इनपुट है उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा वन ओवर एस स्क्वेयर, और हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है जिसको हम ई इंफिनिटी बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन है एस आर ओवर वन प्लस जी। ये हमने पीछे देखा था लिमिट एस अप्रोचेस जीरो, ठीक है। और ये हो जाएगा, आप अब आप आर को वन ओवर एस स्क्वेयर यहाँ पे रख देना, थोड़ा सा अरेंज करना इसको, आपको मिल जाएगा वन ओवर एस जी, ये आंसर मिल जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस जीरो, ठीक है। तो रैंप इनपुट के लिए ये आपका स्टेडी स्टेट एरर हो गया। और अब ये वाली जो टर्म है लिमिट एस अप्रोचेस जीरो एस जी, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं के वी, इसको बोल दिया स्टैटिक वेलोसिटी एरर। के पी था स्टैटिक पोजीशन एरर, के वी को बोला स्टैटिक वेलोसिटी एरर, ठीक है। तो अब हम ई को, जो हमारा जो एरर है वो हो गया हमारा वन ओवर के
किस तरह के इनपुट के लिए, रैंप इनपुट के लिए। रैंप इनपुट के लिए एरर हो गया 1/kV, और जहाँ पे kV को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट ऑफ SG एज एस अप्रोचेस 0। ठीक है, तो अब इस आइडिया से बहुत जल्दी अब हम देख सकते हैं कि अगर टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0, और टाइप 0 बोलने का एक और तरीका है सिस्टम में नो इंटीग्रेटर। मैंने आपको जस्ट बताया पहले नो इंटीग्रेटर, ठीक है, टाइप 0 है, नीचे 1/s नहीं है, तो अब आप s, अब आप kV निकालोगे, kV, तो kV की वैल्यू क्या है, g में कोई 1/s नहीं है, उसको s से मल्टीप्लाई किया और लिमिट s अप्रोचेस 0 करोगे, kV की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, kV की वैल्यू 0 आ गई। अब kV की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब एरर क्या हो जाएगा, स्टैटिक एरर हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका एरर इंक्रीज होता रहेगा। तो इस तरह के सिस्टम को, जिस सिस्टम में कोई इंटीग्रेटर नहीं है, हमने रैंप इनपुट दी, वो इस तरह का रहेगा। देखो, हमने टाइम के साथ ये हमारी इनपुट थी, रैंप इनपुट थी, और जो आउटपुट होगी, आउटपुट की स्लोप इनपुट की स्लोप से कम होगी, तो वो ऐसे है, ऐसे ये हमारी आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट माइनस आउटपुट, आप देख रहे हो इस टाइम इंक्रीजेस, ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एरर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ई हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर हमने ऐसा सिस्टम बनाया है और सैटेलाइट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और हमारा एंटीना था उसमें उसको ट्रैक करना था, और हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई इंटीग्रेटर नहीं है, वो और पीछे छूटता जाएगा, उससे और पीछे छूटता जाएगा, एरर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया टाइप 0 सिस्टम यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने लिया टाइप 1, टाइप 1 सिस्टम का क्या मतलब, उसमें एक इंटीग्रेटर है। ठीक है, तो अब एक इंटीग्रेटर है, अब देखो एक इंटीग्रेटर का मतलब है जी में 1/s है, उसको s से मल्टीप्लाई करेंगे, s से s कट जाएगा, लिमिट s अप्रोचेस 0 करेंगे, तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो kV की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी, kV आ जाएगा फाइनाइट। अगर kV फाइनाइट आ गया तो जो स्टेडी स्टेट एरर है जो है 1/kV, ठीक है, kV फाइनाइट है तो इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आएगी। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को अगर हम प्लॉट करेंगे इसमें, तो ये था मान लो हमारा आउटपुट थी टाइप 0 सिस्टम के लिए। अब टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम को करोगे, उसका एरर ऐसे इंक्रीज नहीं करेगा विद टाइम। ठीक है, उसका इस तरह से कुछ होगा, ये ऐसे एरर है, अब वो ऐसे फॉलो कर रहा है इसको, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ डिफरेंस है, लेकिन इट विल अप्रोच ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमारी वो भी आउटपुट, अगर हमारा सिस्टम है टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम के लिए सिस्टम में एक इंटीग्रेटर है, और उसके कारण जो उसका केवी है, जो स्टैटिक वेलोसिटी एरर है, उसकी वैल्यू फाइनाइट होगी और एरर की वैल्यू भी फाइनाइट आएगी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 2, अगर टाइप 2 सिस्टम है, ये देख लेना कि केवी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि सिस्टम में 1/g में 1/s² है, तो उसके कारण केवी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और जो एरर है स्टेडी स्टेट एरर वो 0 हो जाएगा। तो ऐसा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में यहाँ पे कुछ एरर होगा, बट फाइनली वो उसके साथ कैचअप कर लेगा, स्टेडी स्टेट एरर उसका 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टाइप 2 एरर। तो ये हमने देखा, अगर हमने सिस्टम को रैंप इनपुट दिया है, और रैंप इनपुट का फिजिकल मतलब क्या है,
रैंप इनपुट का मतलब है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अच्छा तीसरी इनपुट देखते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक इनपुट के लिए हमारी इनपुट हो जाएगी 1/s³ और एरर स्टेडी स्टेट एरर जिसकी डेफिनेशन थी फिर से लिख देते हैं SR/1+G जहाँ पे लिमिट s अप्रोचेस 0 ये आ जाएगी। आप r को 1/s³ रख दो, थोड़ा सा रीअरेंज करना, आपको मिल जाएगा 1/s²g ये मिल जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस 0। ठीक है, अब ये जो टर्म है यहां पे लिमिट एस अप्रोचेस 0 s²g इसको हम बोल देते हैं के ए, तो यहां पे ये हो जाएगा 1/ke और अब इस के ए को बोलते हैं स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो पहले भी मैंने एरर एरर बोल दिया, नहीं स्टैटिक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्टैटिक एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऊपर भी चेंज करना होगा। मैंने लिख दिया था स्टैटिक वेलोसिटी एरर, स्टैटिक वेलोसिटी एरर नहीं, जो केवी है वो है स्टैटिक वेलोसिटी कांस्टेंट। और ऐसी केपी था स्टैटिक पोजीशन कांस्टेंट, हाँ वो ठीक लिखा। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस केस में भी हम पैराबोलिक इनपुट के लिए भी हम देख लेते हैं टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 सिस्टम में क्या हमें मिलेगा रिस्पांस। अगर हमारा टाइप जीरो है और आप के ए की वैल्यू निकालोगे तो देखो के ए की वैल्यू आएगी 0 और के ए की वैल्यू 0 हो गई तो आपका एरर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट हो जाएगा। टाइप वन करोगे टाइप वन में नीचे 1/s है तो भी के ए की वैल्यू 0 आएगी और एरर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। टाइप टू में नीचे 1/s² है, टाइप टू में नीचे 1/s² है और यहाँ पे s² है जी, तो s² से s² कट जाएगा और s को 0 रखोगे तो के ए की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। के ए आएगा फाइनाइट, ठीक है, के ए फाइनाइट आएगा तो इसका मतलब ये जो 1/ke है इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। ठीक है, और अगर टाइप ग्रेटर देन 2 है, टाइप ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट और एरर अब हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमने डिस्कस किया सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है उसका। तो देखो फाइनली आइडिया ये है कि हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, उसकी सिस्टम की, और हमने यहाँ पे जो सिस्टम कंसीडर किया विद यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ये वाला लिया है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, तो अगर हमें सिस्टम का जी दिया है, ठीक है, सिस्टम का जी, तो उसमें सिस्टम की सारी जो है उसके परफॉर्मेंस की सारी बातें हैं और जो ये पैरामीटर्स हैं उसके जो हम जी से निकाल सकते हैं ये पैरामीटर्स, कि उसका स्टैटिक पोजीशन कांस्टेंट,
स्टैटिक वेलोसिटी कांस्टेंट, स्टैटिक एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ये जो है ये उसके हम बोल सकते हैं दीज आर आल्सो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जो गवर्न करते हैं कि सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट, ठीक है, फॉर डिफरेंट इनपुट्स। कि अगर स्टेप इनपुट होगा तो के पी इंपॉर्टेंट है, अगर रैंप इनपुट होगा तो के वी, पैराबोलिक इनपुट है तो के ए। तो ये सिस्टम, ये भी सिस्टम के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो डैम्पिंग रेशो है जीटा, वो एक सिस्टम का परफॉर्मेंस पैरामीटर है क्योंकि सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जीटा पे डिपेंड करता है। ऐसे ही उसका जो सेटलिंग टाइम होगा, उसका राइज टाइम होगा, वो उसकी जीटा और नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो वो सिस्टम के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं। इसी तरह से ये भी सिस्टम के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब हम बुक में से ही देखते हैं थोड़े एग्जांपल, इसी आइडिया को यूज करके थोड़ी डेमोंस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर चाहो तो इसमें से पढ़ सकते हो। जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ बुक में मैंने हाईलाइट कर दिया है वो, देखो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 7.1, स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म्स ऑफ टी। तो अगर हमें टी दिया हुआ है, यहाँ पे टी क्या है, उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टी दिया हुआ है 5/s² + 7s + 10, ठीक है। और इनपुट हमें दी है यूनिट स्टेप इनपुट। अब हमें उसका स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, ठीक है। तो मैंने ये डिराइव किया था इक्वेशन टी की फॉर्म में भी, एक बार नोट्स में देखते हैं। देखो ये आया था, जो एरर है स्टेडी स्टेट एरर टी की फॉर्म में, वो होगा एस आर टाइम्स 1 - t, और इसमें एस को जीरो कर दो, एस आर 1 - t। तो अब हमें यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, किस तरह की इनपुट है, यूनिट स्टेप इनपुट है, तो आर हमारा हो गया 1/s। टी हमें दिया हुआ है, तो आर और टी हमें दिए हुए हैं, तो ये निकाल लिया आर टी एस, इसमें करके लिमिट एस अप्रोचेस जीरो कर दी, वो हमें उसका स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा, ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। और वो वैल्यू आती है हाफ, हाफ आती है, ठीक है। तो एक फाइनाइट वैल्यू आई, उसका रीजन क्या है अभी आगे देखते हैं। और एग्जाम्पल अच्छा, एग्जाम्पल 7.2, ये स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर सिस्टम्स विद नो इंटीग्रेशंस। सिस्टम में कोई इंटीग्रेटर नहीं है, तो 1/s टर्म नहीं है, वो टाइप जीरो सिस्टम है। तो उसके लिए हमने ये सारी इनपुट दी है 5 ut। अब ut जो है, ut को बोला है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप का मतलब होता है टाइम जीरो से कम पे उसकी वैल्यू जीरो थी, और टाइम जीरो से ज्यादा पे उसकी वैल्यू वन है। तो इसका मतलब हमने इनपुट दिया है उसको 5। तो एक स्टेप इनपुट है ये 5 tut, हमने उसको इनपुट दिया 5 t, ये एक रैंप इनपुट है। और एक इनपुट दिया 5 t², ये हमने पैराबोलिक इनपुट दी है, जस्ट 5 multiplied है आगे, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और हमें जो है ये सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो ये यूनिटी, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है जी, तो हमें जी दिया हुआ है। तो अब हम वही फॉर्मूले लगाएंगे जो हमने लिखे थे। हमें स्टेप इनपुट के लिए, स्टेप इनपुट के लिए हमने एरर निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर, वो था 1/1 + kp, जहाँ पे kp ये होता है। अब 1/1 + kp की जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि हमारी इनपुट 5 ut थी, ut की जगह 5 ut थी, ठीक है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। और इसके लिमिट ऑफ g as s approaches 0, इसमें s को 0 करके देखो लिमिट लोगे 20 आता है, तो ये एरर आ गया इसका यहाँ पे 5/21, ठीक है, ये आ गया। ये कैसा सिस्टम था, टाइप जीरो सिस्टम।
इसमें स्टेप इनपुट के लिए फाइनाइट एरर आ रहा है। देखो इसी सिस्टम में अगर आपने रैंप इनपुट दिया था 5TUT, ये रैंप इनपुट है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म 5/S पे हो जाएगा, ठीक है। एरर था हमारा 1/kV, ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा 1/kV, जहाँ kV की वैल्यू ये है, 1 की जगह 5 हो जाएगा क्योंकि हमारा यूनिट रैंप की जगह 5 टाइम्स वो रैंप था 5/this। अब इसमें इसको एस से मल्टीप्लाई करके लिमिट लोगे एस अप्रोचेस 0, 0 आ जाएगा, तो एरर आपका इनफाइनाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आप पैराबोलिक के लिए लोगे करके देखोगे, उसके लिए भी एरर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज करने हैं। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर फॉर सिस्टम विद 1 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है, एस एस प्लस 3 एस प्लस 4, तो एस टू दी पावर 1 है, तो इसमें एक इंटीग्रेशन है, तो इसके हमने स्टेडी स्टेट एरर निकालने हैं। ये वही तीन तरह के इनपुट है, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट, इन तीनों के लिए, तो वही फॉर्मूला लगेगा 1/1 KP, 1 की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिमिट लेके डालोगे ये आ जाता है। ऐसे ही दूसरे वाले का लोगे, आगे लोगे, तो देख लेना, ये एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, ये आपको होमवर्क के लिए मैं दूंगा, ये है स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1, ये होमवर्क होगा। अच्छा, आगे इस चैप्टर में स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट्स एंड सिस्टम टाइप, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, देखना चाहो यहाँ पे देख सकते हो, स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट यहाँ ये सब डिफाइन किया है, KP, KV, KA ये क्या होते हैं, और यहाँ पे क्या दिया, स्टेडी स्टेट एरर वाया स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट। हाँ, तो अब ये सिस्टम था, अलग अलग सिस्टम्स दिए हैं, ये सिस्टम दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, इनके आपने एरर निकालने हैं, KP की वैल्यू निकाल लो, KV की, KA की निकाल लो, और उससे एरर मिल जाएगा हमें। स्टेप इनपुट है तो 1/1 KP, रैंप है तो 1/kV, पैराबोलिक है 1/kA, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है स्टेडी स्टेट एरर निकालने के। अच्छा, ये हो गया। सिस्टम टाइप, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, डिपेंडिंग ऑन कितने उसमें इंटीग्रेटर है। तो यहाँ पे एक अच्छी समरी दी है ये टेबल 7.2 में, रिलेशन बिटवीन इनपुट, सिस्टम टाइप, स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी स्टेट एरर। तो तीन तरह के इनपुट हैं, स्टेप इनपुट, रैंप और पैराबोलिक। और स्टेडी स्टेट एरर फॉर्मूला, अगर ये इनपुट है तो 1/1 KP, रैंप है तो 1/kV, पैराबोलिक है तो 1/kA, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है जनरल। अब टाइप जीरो सिस्टम है, टाइप जीरो के लिए हमने देखा KP की वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है, ठीक है, इस वाली स्टेप इनपुट के लिए KP कांस्टेंट आता है, एरर हमारा 1/1 KP हो जाएगा, जो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। टाइप जीरो सिस्टम के लिए, इसके लिए KV जीरो आता है, KA जीरो आता है, तो ये दोनों एरर इनफाइनाइट हो जाएंगे। टाइप वन के लिए ये इनफाइनाइट आता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, इसकी जीरो आती है, तो एरर ये हो जाएंगे। तो एक समरी दी है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम टाइप एंड इनपुट हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपको रटा मारने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला है बस, ठीक है, ये फार्मूला अलग अलग सिस्टम के लिए ये क्या हो जाता है वो है। अच्छा, ये होमवर्क के लिए मैं दूंगा, स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, इंटरप्रेटिंग द स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशन, तो देखो स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशन से हमें कई सारी चीजें पता लग जाती हैं। देखो मान लो हमें ये दिया हुआ है KP इक्वल्स 1000, हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन और सब चीजें नहीं दी, सिर्फ KP बताया, KP की वैल्यू 1000 है, तो इसका क्या क्या मतलब है। देखो एक तो सिस्टम स्टेबल है, सिस्टम टाइप जीरो सिस्टम है, क्योंकि टाइप जीरो सिस्टम के लिए ही केपी की वैल्यू फाइनाइट होती है, ठीक है, हमने देखा टाइप वन और टाइप टू सिस्टम के लिए केपी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो सिस्टम टाइप जीरो है।
और अगर केपी हमें दिया है सिस्टम के लिए, इसका मतलब जो इनपुट टेस्ट सिग्नल है वो क्या है, वो स्टेप सिग्नल है, क्योंकि केपी जो है वो स्टेप सिग्नल के लिए डिफाइंड है, ठीक है। और केपी अगर हमें दिया है तो हम स्टेडी स्टेट एरर भी बता सकते हैं उसका, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए 1/1 KP, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं केपी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, केपी ज्यादा है तो स्टेडी स्टेट एरर कम होगा। अच्छा, और एग्जांपल दिया है 7.6, इसमें देखते हैं ये हमारा सिस्टम का फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी, इसमें के एक पैरामीटर है, ठीक है। और हमें ये दिया है गिवन द कंट्रोल सिस्टम फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that there is 10% error in the steady state, ठीक है। हमें k निकालना है, k की ऐसी वैल्यू ताकि स्टेडी स्टेट एरर उसका 10% हो। अब हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि इनपुट किस तरह की है, कि स्टेप इनपुट है, रैंप है, या पैराबोलिक है, कैसी इनपुट है, तो हमें सोचना पड़ेगा। देखो अब सिस्टम का अगर हम g देखते हैं तो g में 1/s है, तो ये कैसा सिस्टम है, टाइप वन सिस्टम। तो यहां पे बताया है सिस्टम इज टाइप वन सिस्टम, ठीक है। तो टाइप वन सिस्टम के लिए आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है, इसने बोला 10%, इसका मतलब कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट एरर आपका कांस्टेंट है, वो कब होगा, वो होगा आपका जब आपने रैंप इनपुट दिया है टाइप वन सिस्टम के लिए, क्योंकि देखो टाइप वन सिस्टम में नीचे 1/s है। आप इसका इसकी केपी की वैल्यू अगर निकालोगे, केपी की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, केपी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो आपका एरर जीरो होगा स्टेप इनपुट के लिए, ठीक है। आप केवी निकालोगे, केवी की वैल्यू फाइनाइट आएगी, केवी की वैल्यू फाइनाइट आएगी, तो एरर फाइनाइट होगा, और के ए की वैल्यू जीरो आएगी और एरर आपका इनफाइनाइट आएगा। तो फाइनाइट एरर यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब ये अपने आप ऐसा बोल रहा है कि आपने इसको रैंप इनपुट मान के करना है। तो लिखा है ओनली अ रैंप यील्ड्स ए फाइनाइट एरर इन टाइप वन सिस्टम, तो रैंप इनपुट है, ठीक है। तो आपका जो एरर है, इन्होंने 10% बोला है, तो एरर है आपका 0.1, और एरर क्या होता है 1/kV, ठीक है। रैंप इनपुट के लिए 1/kV है तो वो हो गया 0.1, इसका मतलब केवी हो गया 10, और केवी की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस जी एस अप्रोचेस जीरो, ये ऐसे केवी डिफाइंड है। तो हमें ये जी दिया हुआ था, इसमें एस अप्रोचेस जीरो कर दिया, ये आया, तो उससे के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब देखो तो के की वैल्यू ये है, तो ये सिस्टम जो है हमें 10% स्टेडी स्टेट एरर देगा, रैंप इनपुट के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल था। अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क के तरह दूंगा, एक्सरसाइज 7.3। आगे देखते हैं, ये नहीं करना है 7.5, आगे शायद सिलेबस में इतना ही है, पर देख लेते हैं। अच्छा, एक ये चीज और, स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अब अभी तक हमने बात की थी यूनिटी फीडबैक सिस्टम की, अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो स्टेडी स्टेट एरर। देखो जैसे ये हमारा मान लो सिस्टम है इस तरह का, आर हमारी इनपुट है, रेफरेंस इनपुट, इस पे ये कुछ लगा, जो भी एक ट्रांसफर फंक्शन लगा, इधर एक समिंग जंक्शन लगा, इधर लगा ये फीडबैक इधर से लगा, और फाइनली हमें सी मिल रहा है, सी हमारी आउटपुट है, ठीक है। तो अब ये उस तरह का तो नहीं है कि सिस्टम विद यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, उस तरह का नहीं है ये। और एक और चीज देखना, यहाँ पे ये जो ई है ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, क्योंकि एरर की हमारी डेफिनेशन है आउटपुट माइनस इनपुट, एरर है हमारा सी माइनस आर, वो एरर है। लेकिन ये यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जो एरर है वो वाला एरर नहीं है, ये इसकी वैल्यू है आर जी माइनस
CH1, इसकी वैल्यू तो ये है, देखो RG1 माइनस CH1, तो ये हमारा वो वाला एरर नहीं है जिसको हम स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं, उसकी वैल्यू तो C माइनस R है। तो अब हम इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो हमने पहले एक लेक्चर में बात की थी ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफिकेशन की, तो इसमें वो सारी चीजें लगा के इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक ऐसे सिस्टम में जिसका यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, और फिर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक का आइडिया लगा देंगे। तो बेसिक आइडिया ये है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखो हमने उसमें, अगर आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम मूव करेंगे, ये समिंग जंक्शन से पहले था, अब इस ब्लॉक को हमने मूव करना है समिंग जंक्शन के बाद, ठीक है। तो कैसे करते हैं, उसका रूल मैंने बताया था, ये जो G1 है ये यहाँ से इसको उठा के इधर पटकेंगे, तो यहाँ से उठा के इधर डाला तो यहाँ पे G1 जुड़ जाएगा, तो G1 G2 हो जाएगा, तो ये जो G लिखा है यहाँ पे वो है G1 G2, और इसको हमें यहाँ इस लाइन को भी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1/G1 देंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया था, तो यहाँ 1/G1 देंगे, तो यहाँ H1 था और 1/G1, तो ये H1/G1 हो जाएगा, H1/G1 को यहाँ पे H लिख दिया है, ठीक है। तो पहले तो हमने इसको यहाँ से यहाँ मूव किया, आगे देखोगे टेक्स्ट में लिखा हुआ है G=G1/G2 and H=H1/G1, ठीक है, ये कर दिया, तो हमें इससे ये मिल गया, ठीक है, इससे ये मिल गया। अब ऐसा करने के बाद अब ये किया, हाँ, यहाँ पे ये H था इस पाथ में, इसी पाथ में हमने दो और लगा दिए, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, इसमें हमने -1 दे दिया, इसमें 1 दे दिया, तो यहाँ पे कौन सा हमने आइडिया लगाया है कि जब पैरेलल पाथ होते हैं तो उनके ट्रांसफर फंक्शन ऐड हो जाते हैं, ये पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये H है या -1 या +1, ठीक है, तीनों पैरेलल पाथ है, देखो यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है, तो H -1 + 1 H ही हो गया, तो ये और ये एक ही बात है, ठीक है, तो ये कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, ये जो H और -1 है इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ ये दोनों पैरेलल थे तो ये हो गया H -1, ठीक है, और इसको अलग रखा, तो ये बन गया। अब इसको अलग रखा और ये जो G और H -1, ये जो था ये फीडबैक वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये उस फॉर्म में है, तो उसका इक्विवेलेंट कर दिया यहाँ पे, ये हो गया G/1 + GH - G, ये हमने पहले डिस्कस किया है, अगर इधर G है इधर H है तो उसका फॉर्म हो जाता है G/1 + GH, ठीक है, G/1 + GH, तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा कैसा बन गया है, अब ये हमारा बन गया है एक सिस्टम विद यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, तो हमने इसको उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, हमारी इनपुट R है जो इधर, आउटपुट हमारी C है, और अब जो यहाँ पे ये जो है ये हमारा अपने आप एरर आया है, क्योंकि ये जो है अब R-C हो गया है ये, ठीक है, तो हमारी वो वाली फॉर्म बन गई है। तो अब इसको हम G लेके, ये हमारे सिस्टम का G है, फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन G ये है, अब इसको लेके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि उसका सिस्टम का KP KV KA ये वैल्यूज क्या है, और उसके हिसाब से उसका स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर नॉन यूनिटी फीडबैक है तो ये करना है, मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है, एक्सप्लेन तो कर ही दिया, थोड़ा खुद देख सकते हो 7.6 में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो ये था, ठीक है, तो वही करना है, यहाँ 1/S+5 था, इधर एक पाथ में इधर -1 और कर दो और एक और ऐड कर दो जिसमें 1 है, ठीक है, तो इसमें -1 कर दिया, एक और ऐड कर दिया जिसमें 1 है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये जी है ये एच है, तो G/1 + GH, उससे यहाँ पे एक आ जाएगा, तो उस तरह से कर दिया, तो वही यहाँ पे किया हुआ है, और उससे फिर आपका इक्विवेलेंट जी आ जाएगा, देखो ये करके देख लेना, ये इक्विवेलेंट आ गया ये, और इसके लिए अब आप निकाल सकते हो, केपी निकाल लिया, ये वैल्यू आई, अगर ये इन्होंने स्टेप इनपुट के लिए पूछा था क्या एरर है, तो
तो के पी की वैल्यू ये आई, और फिर स्टेडी स्टेट एरर 1/1 प्लस के पी उसकी वैल्यू ये आई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये आगे नहीं करना है, बस सिलेबस में इतना ही है। अब एक सेक्शन है जो वैसे सिलेबस में नहीं है हमारे, पर अगर पढ़ना चाहो बाकी प्रैक्टिस करने के बाद क्विकली रेफर कर सकते हो, ये स्टेडी स्टेट एरर फॉर सिस्टम्स इन स्टेट स्पेस। तो ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन थी उसका हमने स्टेडी स्टेट एरर देखा। अगर स्टेट स्पेस में है तो ये तो सेक्शन 7.8 है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। तो यहाँ पे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में इक्वेशंस लिखी हैं, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया है, और वो लेने के बाद वही फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के उसका ये निकाल दिया है कैसे होगा, और उसका कुछ एग्जाम्पल दिया है। और एक और तरीका है वो करने का, इनपुट सब्स्टिट्यूशन का। एक तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके ऊपर तरीका था, एक इनपुट सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, बहुत ही आधे पेज की इसमें आइडिया है बस यहाँ तक। तो ये देख सकते हो कि कैसे किया, और उसका फिर नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी समझने और प्रैक्टिस करने के बाद अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो। तो ये हो गया है हमारा ये टॉपिक। अब इसके ऊपर मैं एक जस्ट होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे, जो स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज हैं चैप्टर 7 से। स्किल असेसमेंट, और ये आपको ये सब करनी है जो भी दिया था, पेज नंबर 349 पे है, 353 पे, 355 और 361 पे जो क्वेश्चन है उसका पार्ट ए। ठीक है, तो ये जो स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज है 7.1 से लेके 7.4 तक है मेरे ख्याल से, तो ये करके देना। और ये मुझे देना अभी जल्दी करना होगा, बाय 30th अप्रैल। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं होमवर्क 3, ये करके देना होगा। ठीक है, यहाँ रुकेंगे।